न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। पीएम के गोरखपुर आगमन को देखते हुए पुलिस की बड़ी चौकसी, होटल ढाबों सहित प्रमुख स्थानों पर की चेकिंग, लोगों में जताया सुरक्षा का एहसास। डीएम और एसएसपी की अध्यक्षता में चौरी चौरा तहसील में संपन्न हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस, जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दिए दिशा निर्देश। सेंटर ऑफ ई गवर्नेंस के एक दिवसीय गवर्नेंस जागरूकता कार्यशाला का हुआ आयोजन, सोशल मीडिया, सीएम हेल्पलाइन, ई ऑफिस तथा ई डिस्ट्रिक्ट पर डाला गया प्रकाश। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भदोही के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि गोरखपुर में आयोजित मोर्चा की किसान रैली होगी ऐतिहासिक, किसानों के हित में कई योजनाओं का होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य मंत्री करेंगे शिरकत। गोरखपुर में 24 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की रैली की सफलता में जुटी हिंदू युवा वाहिनी, प्रदेश महामंत्री ने लोगों से की अपील, कहा अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर रैली को बनाए सफल। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में तहसील सदर में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, सुनी गई फरियादों की फरियाद, किया गया मामलों का निस्तारण। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के सौंदर्यीकरण कार्य का एसएसपी ने किया उद्घाटन, एसपी सिटी, सीओ कोतवाली सहित अन्य पुलिसकर्मी रहे मौजूद। बीएसएनएल कर्मचारियों का हड़ताल तीसरे दिन भी रहा जारी, सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की, किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के 10 लोकसभा क्षेत्रों की आवश्यक बैठक हुई संपन्न, अनुसूचित जाति की समस्त उपजातियों को पार्टी से जोड़ने की बनाई रणनीति। पुलवामा में शहीद वीर सपूतों को भारतीय किसान यूनियन ने किया नमन, कहा सही समय है पाकिस्तान को गमी दोस्त कर भारत के नक्शे में मिलाने का, खड़ा है किसान देश के लिए खून देने को। हिंदी के विख्यात आलोचक और साहित्यकार नामवर सिंह के निधन पर दी गई श्रद्धांजलि, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर वक्ताओं ने डाले प्रकाश। बाईस से 24 फरवरी तक आयोजित होगा संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में लोक संगम कार्यक्रम, 16 प्रांतों से 350 कलाकार करेंगे शिरकत, प्रवेश रहेगा निःशुल्क। और लच चैंपियन ट्रॉफी 2019 के ऑल इंडिया प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट में टीएससीबी ने बीएसएनएल को 68 रन से हराया।